वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सामने आ रही है। मुंबई में आज एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले संजय राउत का बयान सामने आया है। शाम 4 बजे जारी होगी लिस्ट, ये बात कही है संजय राउत ने। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना में सेंचुरी लगाने का पूरा दम है। तो शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस महाविकास आघाड़ी की और 4 बजे लिस्ट जारी होगी। संजय राउत ने ये क्लियर कर दिया है। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, सुनिए। महाविकास आघाड़ी का शिवसेना का कोई फॉर्मूला नहीं है। महाविकास आघाड़ी की जो लिस्ट है वो इसलिए देते हो क्योंकि हम सत्ता बनाने जा रहे हैं, हम सत्ता पर कब्जा करने जा रहे हैं। बाकी लोग तो अपोजिशन में बैठने वाले हैं, खिचड़ी पकाते। हम सत्ता में बैठेंगे तो हमें बहुत सोच समझ कर हमारा उम्मीदवारों का और चुनाव क्षेत्र का चयन करना पड़ेगा। आज 4 बजे तक हमारी पूरी लिस्ट जारी हो जाएगी। काम कल रात को लगभग पूरा हो गया है और हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। और मुंबई से विनोद जगदाले मेरे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं। तो विनोद, क्या होगा शाम 4 बजे? सीट शेयरिंग फॉर्मूला, उसका औपचारिक ऐलान होगा या फिर उम्मीदवारों की लिस्ट तीनों ही पार्टियों के सामने आ जाएगी? देखिए, जहां तक लगभग है कि आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कौन कितने सीटों पर वहां पर लड़ रहा है उसकी भी जानकारी दी जाएगी। और संभव रहा तो आज सीट शेयरिंग का यानी सीटों का जो नाम है, जो हर पार्टी कितने सीट पर लड़ रही है और कौन सी सीट पर कौन उम्मीदवार है, ये भी आज शायद डिक्लेयर हो जाएगा। लंबे समय से लगातार महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन विदर्भ की 12 सीटों को लेकर वहां पर पेच फंसा हुआ था। विदर्भ की 11 सीटों का पेच सुलझ गया, एक सीट विदर्भ की और मुंबई की 2 सीटों पर फिर से पेच सामने आया है, जिसके बाद ये बातचीत फिर से आगे बढ़ी है। अब लगता है कि अगले आधे घंटे में सब खत्म हो जाएगा और शायद 4 या 5 बजे फिर महाविकास आघाड़ी की मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर देंगे। लेकिन जहां तक संभव है वहां तक अब तक शरद पवार की पार्टी से आज शाम को 4 बजे से एबी फॉर्म बांटना शुरू किया जाने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी एबी फॉर्म नहीं दिया है और ना ही उद्धव ठाकरे की पार्टी ने, लेकिन आज तय हो जाएगा कि महाविकास आघाड़ी में गठबंधन हो चुका है और महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां एक साथ लड़ रही है। हाँ, सीटें कम ज्यादा हो रही है लेकिन ये चुनाव में एक साथ सामने उतरने को तैयार है। आज संजय राउत ने जो बयान दिया है, कहा है कि कोई मतभेद कोई नहीं है, लेकिन मतभेद तो सीट शेयरिंग के दौरान ही हो चुके हैं। अब ऊपर से उसके मरहम लगाने का काम यहाँ पर चल रहा है, तो सीट शेयरिंग जब डिक्लेयर होगी तब उसके बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है वैसे ही महाविकास आघाड़ी के साथ भी होगा। जो भी नाराज है वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर कुछ सीट महाविकास आघाड़ी ने घोषित महाविति ने घोषित नहीं की होगी तो उनके पाले में वो चले जाएंगे। यानी जो यहाँ पर निर्दलीय खड़े रहने वाले हैं उनका खतरा सभी पार्टियों को वहाँ पर सता रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बगावत अब महाविकास आघाड़ी को देखने को मिल सकती है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के मैं बात करूँ तो मुंबई के ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जहाँ हर चुनाव क्षेत्र में उद्धव का टिकट पाने के लिए 4 से 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। हर कोई अपनी खूबियाँ वहाँ पर गिना रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे की मजबूरी ये है कि आखिरकार टिकट दे तो किसे दे। ठीक है, ठीक है।